तो दोस्तों यहाँ का शानदार व्यू देखो भाई, ऐसा लग रहा है पूरा लंदन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ की बिल्डिंगें देख सकते हैं, ऐसे पूरा लंदन लग रहा है पूरा, देख सकते हैं बिल्डिंग यहाँ की। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बोलते हैं मुंबई में लंदन और पेरिस जैसे घर बने हुए यहाँ पे मुंबई में, यहाँ दोस्तों वो आपको दिखाऊंगा। तो एरिया कहाँ पड़ता है, वो एरिया में आ चुका हूँ, पड़ता है पवई एरिया। आपको लंदन और पेरिस जैसे घर एकदम वैसे ही एकदम पूरा क्लीन आपको दिखाई देगा। तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। तो इस रास्ते हमको चलना है, इस रास्ते पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों हम उस एरिया में पहुँचने वाले हैं, उस जगह पे जहाँ पे लंदन जैसे घर बने हुए हैं। अभी देखो थोड़ा थोड़ा घर दिखने लगा यहाँ से, और अभी हम चल रहे थोड़ा आगे, और भाई साहब देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं उस एरिया में पहुँच चुका हूँ जहाँ पे लंदन पेरिस जैसे घर बने हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये घर देख रहे हैं, इसका नाम है स्कॉर्पियो हाउस, ये वाले घर का। और इस साइड जाएंगे तो आपको और ज़्यादा घर मिलेंगे, हम लोग सीधा चल रहे हैं, आपको सीधा दिखाएंगे। और दोस्तों इस एरिया में आपको जितने भी घर दिखेंगे, आपको ऐसे ही पूरे घर बने दिखेंगे। अभी आपको चल रहा हूँ आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये लंदन और पेरिस जैसे घर आपको दिखेंगे। इसका नाम है स्कॉर्पियो हाउस, वहाँ पर लिखा भी हुआ है। ओ भाई साहब, यहाँ पर घर देखो, जितने भी घर आप देखोगे ऐसे लगेगा लंदन में आप, पूरा चारों तरफ देखो भाई, पूरे घर तो देखो आप, एक एक बिल्डिंग भाई कैसे बने हुए हैं, ऐसे डिजाइन है सब, देखो भाई ऐसा लग रहा है लंदन और पेरिस है। और रोड पे सफाई देखो भाई, कितनी सफाई है यहाँ पे। ये पड़ता है पवई एरिया वाला घर, देखो भाई अभी जो आपको दिखा रहा हूँ सामने वाला। ओ भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे एरिया में पूरा घर, और चारों तरफ अगर जो रोड पे चलेंगे तो आपको पेड़ मिलेंगे साइड साइड में लगे हुए, ये सब देख सकते हैं भाई घर। भाई साहब बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया भाई एरिया में आके। आप आना चाहते हो आ सकते हैं पवई। तो दोस्तों देख सकते हैं एरिया में कितनी साफ़ सफाई, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लंदन जैसा लग रहा है। ये देखो भाई, अभी ये स्कॉर्पियो हाउस इतना बड़ा है कि हम लोग वहाँ से आगे फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये देखो इतना बड़ा बना हुआ है। तो इस साइड जाएंगे तो आपको और बहुत सारे घर मिलेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखो रोड के किनारे सब पूरा, तो अभी हम लोग आगे चलेंगे आप। तो दोस्तों जिस एरिया में बैठा हूँ वैसा फील आ रहा है कि भाई विदेश में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं भाई, ऐसा पूरा घर बने हुए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे विदेश का सीन लेना हो तो यहाँ पे आ गया, पे ले लिए विदेश का सीन, एकदम वैसे लग रहा है पूरा रियल। तो अभी आपको और दिखाते हैं वीडियो भी आपको। दोस्तों ये वाला घर देखिए कैसा, कितना खूबसूरत बना हुआ ये वाला घर, ये पूरा लगा हुआ है पूरा यहाँ। और दोस्तों जितना आगे आप जाओगे उतना ही घर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये वाला घर जैसे कितना खूबसूरत बना हुआ है ये वाला घर। और रोड के किनारे तो चारों तरफ भाई पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं सब तरफ। और रोड की साफ़ सफाई देख लो भाई, बहुत ही शानदार ये वाला घर देखो भाई, बहुत ही कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ये वाली भाई। भाई रोड की अभी तो बारिश की मौसम है, हल्का हल्का पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो भाई साहब वरना रोड की कंडीशन देखो भाई बहुत ही अच्छी है, साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं चल रहा हूँ, मेरा दोस्त मिनाज अभी आगे चल रहा है। और भाई साहब आपको रोड के चारों तरफ भाई आपको ऐसे ही घर बने मिलेंगे, एक तरफ से आपको ऐसे घर पूरे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इस एरिया में अगर जो आप आना चाहें तो सबसे पहले आपको आना है साकीनाका। साकीनाका से आप वहाँ से बस ले ले या फिर रिक्शा ले ले या फिर टैक्सी ले ले, कोई भी ले ले आप पवई के लिए, सब आता है यहाँ पे, बस भी आता है, रिक्शा भी आती है और टैक्सी भी आती है। पवई में आके भाई इस एरिया में आपको उतर जाना है, बहुत ही शानदार चारों तरफ आपको एकदम बिल्डिंग है बिल्डिंग, पूरा लंदन जैसा फील आएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो दुकानें देख लो पूरा एकदम जैसे लंदन में नहीं होती, बिल्डिंग के नीचे एकदम सब कांच मस्त लगा हुआ पूरा फर्स्ट क्लास यहाँ पे। और यहाँ पे घूमने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको दिखाया लंदन के जैसे मुंबई को, ये पड़ता है पवई एरिया में, आप आ सकते हैं साकीनाका से, आप बस लेके या रिक्शा लेके आ सकते हैं आप आराम से पवई। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।